नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज 14 फरवरी है और आज नवागाम डिंडोली उमिया माता मंदिर के अंदर हम 6 संस्थाओं ने मिलके एक साथ मिलके मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो रक्षवा स्वस्ति न रघुहा विश्व स्वस्ति न बृहस्पतये ददा। यहाँ का उमिया जो माता का मंदिर है, यहाँ का मैं मेन पुजारी हूँ। मेरा नाम है विष्णु भाई केशवलाल आचार्य। मैं मेहसाणा उत्तर गुजरात से हूँ। यहाँ हम लोग ये 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन के हिसाब से हम यहाँ उपस्थित करते हैं सब लोग। यहाँ आज हमने यहाँ ये प्रोग्राम किया तो कम से कम 5,500 से 6,000 पब्लिक थी यहाँ सबके बीच में। हम लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस नहीं, लेकिन हम लोग मातृ पितृ पूजन के दिन से हम लोग यह जानते हैं। ये हमारा पांचवा साल है और हर दिन हर साल हम लोग ऐसे ही करते हैं और माता जी के इस धाम में हम लोग यहाँ पूजन विधि करवाते हैं सबको। इसकी शुरुआत संत आसाराम जी बापू ने की। हाँ, यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू ने 2008 के अंदर शुरुआत की थी। आज कोई माने ना माने, लेकिन मैं आसाराम जी को मानता हूँ कि ये शुभ कार्य उसके हाथों से हुआ है और सर्व जगह पे 2016 के अंदर से हम लोग यहाँ चालू किया है तो सब 6.5 लाख पब्लिक के बीच में हुआ था। अभी 12.5 लाख जैसी पब्लिक और सब गांवों के अंदर ये शुरू हो रहा है। ये संस्था को कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए और सब बाल जो बच्चे हैं उसको ऐसा मिलना चाहिए कि माँ और बाप क्या चीज है। जो माँ बाप को मिलते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को मिलने से माँ बाप नहीं मिलता, लेकिन माँ बाप को बदने से भगवान मिलता है। मेरा नाम विशाल पटेल है, डिंडोली वार्ड का वार्ड नंबर 26 का महामंत्री हूँ बीजेपी का। और ये संगठन जो भी सर्वमंगल है, हनुमान टेकरी है, सब ग्रुप में हम ज्वाइंट है और सेवाभावी संस्था करते रहते हैं। 14 फरवरी में सब लोग युवा वर्ग अभी देखने जाए तो सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और हमें 5 साल से यहाँ पे मातृ पितृ पूजन करते हैं और हर बार यहाँ पे दिन भर संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो 100 से चालू हुआ था, आज कम से कम 600-700 के बच्चे यहाँ पे मातृ पितृ का पूजन करते हैं, माता पिता का पूजन करते हैं। इसकी शुरुआत हमने सुना संत आसाराम जी बापू ने की थी। हाँ, संत आसाराम बापू ने जब 14 फरवरी को मातृ पितृ दिन घोषित किया, वो दिन से हमने नक्की किया था कि हमारे डिंडोली में प्रोग्राम करेंगे और यहाँ से नोट लेते हुए पूरा गुजरात के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मैसेज जाए कि डिंडोली उमापुरम मंदिर के अंदर सर्व मंगल ग्रुप करके ऐसे संस्था है और पूरा यहाँ पे डिंडोली की पब्लिक यहाँ का लाभ ले रही है। और संस्थाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? वही के मातृ पितृ का पूजन, वही अपना भगवान है, वही अपना सर्व है, तो सबसे पहले मातृ पिता का पूजन करो। माता पिता मातृ पिता को खुश रखोगे तो ही अपने लिए सब कुछ है। 14/2 वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लेकिन गुरु जी का कहना ऐसा है कि वैलेंटाइन डे अपनी संस्कृति का त्यौहार नहीं है, इसकी बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। तो 2006 से बापू जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, तो अब की बार भी यहाँ डिंडोली विस्तार में 5,000 जन्मेदनी के साथ यहाँ मातृ पितृ पूजन हुआ है, जिसमें 6 संस्थाओं ने हमको सहयोग दिया है। जिसमें नाम बोलूँ तो उमिया माता जी मंदिर की संस्था है, आसाराम जी बापू साधक परिवार बिलिया, श्री हनुमान टेकरी सेवा संस्था, युवा उत्कर्ष समिति, भक्तिधाम मंडल बाठेना, बालाजी ग्रुप डिंडोली, उमिया महिला मंडल डिंडोली, ऐसे 6 संस्था और अन्य भी नामी अनामी संस्कृति की जो प्रेम करने वाले जो भी लोग इसके अंदर जुड़े अच्छे से। इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का मेन उद्देश्य तो यही है कि आज लोग पाश्चात्य संस्कृति का जो अनुकरण कर रहे उससे बचकर अपने निजी प्रेम या माँ बाप ने जो अपनी धरती पर जन्म दिया उसी प्रेम को उजागर करे और अपनी सनातन संस्कृति जो आदि अनादिकाल की संस्कृति है उसको उजागर करने का ही गुरु जी का उद्देश्य है।
और आपने देखा जैसे प्रवीण भाई ने जिक्र किया कि 6 संस्थाओं ने मिलकर ये मातृभूमि पूजन का कार्यक्रम किया, आपने देखा कि जो गुरु जी का संकल्प था वो कितना परिपूर्ण हो रहा है। आज पूरे भारत में लगभग 10-1 लाख स्कूलों में मनाया जाएगा और हमारे सूरत समितियाँ हैं, अलग अलग समितियों ने शायद 1000 के ऊपर स्कूलों में मनाया जाएगा। तो ये गुरु जी का ब्रह्म संकल्प था, उसका साकार रूप हो रहा है। और कहीं ना कहीं आज हम एक स्कूल में गए थे तो वहाँ टीचर ने खुद बोला कि आज जो वैलेंटाइन डे का प्रभाव था, आज युवा वर्ग भी इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि संतों का संकल्प आज साकार हो रहा है और आने वाले समय में लोग वैलेंटाइन को भूल कर मातृपितृ का दिवस घोषित करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहोगे, 6 संस्था मतलब मिलके कर रही है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। पहले भी हमने आपको देखा था कि मंदिर बना था उसमें भी 6 संस्था, आज परिवार में 6 भाइयों का परिवार होता तो भी एक साथ नहीं आता, उसकी जगह अलग अलग 6 संस्थाएं मतलब मिलके कार्य कर रही है। देखो सीधी बात बताऊं, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, इसमें गुरु कृपा ही काम करती है। और मैं ये समझता हूं कि भाई किसी षड्यंत्रवश गुरु जी को यदि जेल में अगर रखा गया है, लेकिन गुरु जी ने आज तक जो ज्ञान दिया है, गुरु जी की कृपा है, वो जेल में नहीं है और साधक के रूप में यहाँ बरस रही है, तो संस्थाएं भी जुड़ती है। और दूसरी बात है, जो सही काम है, जो वास्तव में सबको प्रिय है, तो क्यों नहीं जुड़ेंगे सब। इसके अलावा बिलिया समिति के द्वारा मतलब कितनी स्कूलों में कार्यक्रम हुआ सूरत के अंदर? आज के मैं गिनता हूँ तो 65 स्कूल हो चुकी है और 2-4 दिन में और भी 10-15 स्कूल होने वाली है, तो हो सकता है 80 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। 14 फरवरी है, आज वैलेंटाइन डे की जगह पे आज नवागाम डिंडोली के अंदर उमिया माता मंदिर में मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, नवागाम डिंडोली से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।